नकली भाट पचलना बस स्टैंड स्थित दिलीप किराना स्टोर से नकली बीड़ी बेचते व्यापारी को 30 नंबर बीड़ी कंपनी के अधिकारी ने रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि 30 नंबर बीड़ी कंपनी के अधिकारी हरगोविंद सिंह ने बताया कि बहुत दिन से बडनगर क्षेत्र में कंपनी के नाम की नकली बीड़ी बिकने की खबर आ रही थी, जिस पर हमारी टीम ने भाट पचलना स्थित दिलीप किराना से 30 नंबर बीड़ी का बंडल खरीदा जो नकली था। उसके बाद कंपनी की पैकिंग व ट्रेडमार्क चेक किया गया जो नकली पाया गया, जिसकी सूचना भाट पचलना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 23 बड़े 15 छोटे पैकेट व 75 बंडल बीड़ी के खुले जब्त कर आरोपी दुकान मालिक दिलीप पिता शांतिलाल जैन को हिरासत में लिया। मैं हरगोविंद सिंह राठौर नाम है मेरा। मैं मैंगलोर कर्नाटक से आया हूँ। तो यहाँ पर भाट पचलाना में मैं एक दुकान पे बिमल लेने गया तो देखा उनके सामने 5 फुट रखे थे 30 नंबर बीड़ी के, वो पूरी बीड़ी नकली थी। मैंने वहीं से 100 नंबर डायल किया, डायल करके मेरे को थाने से इमदाद मिली। जवान गया, वो बीड़ी भी लेके आया और मुजरिम को भी लेके आया। नकली बीड़ी के कितने पैकेट बरामद हुए और क्या? साहब इसमें से 28 पैकेट तो बड़े वाले हैं, 16 पैकेट छोटे हैं, मतलब 25 पैकेट बड़े हैं और 15 पैकेट छोटे। इसकी क्या विशेषता है कि नकली बीड़ी? इसमें साहब हमारा एक कोड वर्ड आता है जिस पे लिखा होगा 30 बीड़ी, वो 30 बीड़ी इस पे नहीं निकल रहा था इनकी जो दुकान पे से लाया मैं, और जो हमने अभी दुकान से मंगा के चेक करवाया सब लोगों को, थाने में भी आप लोगों को भी, उसमें 30 नंबर लिख के आ रहा है, 30 बीड़ी लिख के आ रहा है। इनको जो माल सप्लाई कर रहा था उनसे कोई आपका नहीं, कोई अभी परिचय नहीं हुआ, कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, कोई पूछा नहीं गया। इन पर आप किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? मैं तो साहब एफ आई आर करूंगा इनको। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।